एनआईटी विधानसभा में जनता बदहाल है। शासन और प्रशासन अपनी पद और प्रतिष्ठा को लेकर मदहोश है। दर्शकों को बता दें, ये तस्वीरें वार्ड 6 की हैं। इसमें साफ देख सकते हैं कि जनता क्यों बदहाल है। जनता का वार्ड पार्षद पर आरोप है कि शिकायत करने पर उनसे बदसलूकी की जाती है। वार्ड 6 के लोगों के निकलने के लिए कोई रास्ता सलामत नहीं है, क्योंकि पार्षद ने रंजिशली पर्वतिया कॉलोनी खंड बी को चारों ओर से सीवर डालने और पीने के पानी के पाइपलाइन डालने के नाम पर खुदवा दिया है। पार्षद अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए पिछले जनप्रतिनिधियों पर ठीकड़ा फोड़ रहा है, लेकिन जनता की समस्याओं पर उनका कोई ध्यान नहीं है। पार्षद का दावा है कि उनके कार्यकाल में विकास ही विकास हुआ है, लेकिन विकास इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। उधर अधिकारियों को शिकायत देने के बाद कोई सुनवाई नहीं है। नगर निगम का कंप्लेंट सेंटर एक शोपीस बनकर रह गया है। ये समस्या आपके वार्ड में? हमारी सारी समस्या ना, हमारे यहाँ को नाली चल रही है, ना गली चल रही है, ना पानी। ये सीवर आप देख रहे हो, कब से दबी पड़ी है यहाँ पे। इसको अपना पैसा लगा के, अपना खर्चा करके। कितना खर्चा सर? इसमें हमने 28,000 रुपए इस छोटी सी गली में इकट्ठा करके, जेब से, अपनी जेब से सबसे हजार रुपए ले करके, और इसको अपने पैसे से, अपने खड़े होकर, खुद भी लगे हुए हैं बंदे, मजदूरी से पूरा नहीं हो रहा है, खुद लगे पड़े हुए हैं। और कहीं से कोई पानी देखो आप, पूरी गली भरी पड़ी है। ये मस्जिद में जाने तक को रास्ता नहीं है। मस्जिद के आगे मैंने खुद मलबा डलवा करके मस्जिद में घुसने को रास्ता बनाया है। कोई ना ही कोई हमारी विधायक सुन रहा है, ना ही कोई पार्षद सुन रहा है। पार्षद के पास आप कभी गए? पार्षद के पास तो मोहल्ला का मोहल्ला 20 बार जा चुका है। कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, ये वादा करते हैं। जब हमारे लास्ट टाइम कब गए थे? हम 4-5 दिन पहले गए, उससे कहीं अभी गए हैं, आज भी गए हैं। बिल्कुल ही रास्ता बंद हो चुका था। ये तो जो आप इकबाल है जी, मेरा नाम। क्या प्रॉब्लम आपके वार्ड में? अरे पूरी गलियां सड़ रही हैं, सीवर रुकी पड़ी हैं, चंदा कर करके इस काम को हम निपटा रहे हैं। पार्षद हमारी सुनता ही नहीं। ये जो प्रॉब्लम बता रहे, इसको 5-6 साल हो गई जी कम से कम। 5-6 साल में कोई समाधान? कोई समाधान नहीं है। जब आप पार्षद के पास गए तो वो ये कह देता 2 दिन में 4 दिन में करा देंगे। लास्ट में कह देता पैसा खत्म हो गया, पैसा आने वाला है। यानी कोई समस्या? कोई समस्या नहीं हो। बात रही विकास की, तो उनको शायद ज्ञान नहीं है कि उनके वार्ड में उससे भी जितना वो शायद बोल रहे हैं उससे भी ज़्यादा विकास हुआ है। विकास के बारे में बोलूं तो जो रोड पे विकास हुआ है वो यही नहीं, पूरे फरीदाबाद को पता है कि सबसे ज़्यादा विकास नगला रोड पे, रोड नहीं तालाब बन गया है, नदी बन गई है। ये सबसे बड़ा विकास है कि रोड पे नदी बन गई है, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, पार्षद का ध्यान नहीं है। उनको लगता है कि ये बहुत बड़ा विकास है। ठीक है, उनके नज़र में अगर ये विकास है तो यही सही है। उनके स्कूल के गली के सामने एक बहुत बड़ा सीवर लाइन खुदा हुआ है, उस पर कोई ढक्कन नहीं है। आए दिन कोई उसमें गिरता है, किसी का हाथ टूटता है, किसी का पैर टूटता है। बिल्कुल अगर इस तरह का विकास करेंगे तो भाई मैं तो कहता हूँ ये पार्षद नहीं एमएलए बन जाए, पता कि पूरा फरीदाबाद ही विकास से लिप्त हो जाए। जनता पहले से ही दुखी है। वार्ड नंबर 6 की समस्या इतनी है कि नाली की समस्या, सीवरेज की समस्या, गली मोहल्ले में रोड की समस्या, पानी की समस्या। जो ये कहता है कि मैंने पानी की इतनी समस्या हल कर दिया, आज भी अगर हम शुरू में जब टंकी चलाते हैं तो उसमें सीवरेज का पानी आता है, और ना आज तक हमारी गली बनी है ना रोड बनी। क्या कारण है जिससे कि आपका एरिया छोड़ रखा है, बाकी एरियों में सड़कें चलने के लिए बन चुकी हैं? क्या कारण है, क्या मानते हैं? ये तो एक इनकी जो है ना भावना गलत है वार्ड नंबर 6 को लेकर, या हम लोग यहाँ रहते हैं उसको लेकर। क्या कारण है, ऐसी कौन सी रंजिश है जो आपके एरिया को खुदवा के डाल दिया और बाकी एरिए बन रहे हैं? ये हो सकता है कि हम दूसरी पार्टी के लोग हैं और ये बीजेपी के हैं, वो वाली रंजिश के कारण ये इस तरीके से सारी गली मोहल्ले खुदवा दिए। और ये तो काम हमने उनसे मना भी करा था जी, अगर अभी मत खुदवाओ इनको, अगर खुदवा रहे हो तो साथ के साथ 2-4 गली खुदवा रहे हो और साथ के साथ बनवाओ। मैंने कि ये काम बारिशों के बाद भी हो सकता है, मैंने कि पानी रहेगा, तो इन्होंने ये अनसुनी करते हुए भी सारी गलियां खुदवा के रोड़े पटक दिए हैं पर बनवाने का नाम तक नहीं। और यहाँ मेरे बच्चे हिमालय स्कूल में पढ़ते हैं, भाई साहब जब भी बारिश होती है रात दिन पानी भरा रहता है, बच्चे गिर गिर के वहाँ से निकलते हैं। नहीं, सीवर पहले डली हुई है मेरे वार्ड में, वे पत्थर कर रहे तो गलत है ना, मेरे में कोई शिकायत लेके आए। और सीवर ऑलरेडी पूरे वार्ड में डली हुई है पहले। समस्या मंत्री की देन है, 20 साल से एक आदमी का राज रहा है,
आधे वार्ड में सीवरों का मिलान नहीं है, मैं नलों पे पलस्तर नहीं है, ये सारे पैसे को खा गए दिपचरण लाल दिपचरण मंत्री के लड़के, सारे पैसों को खाया मिसयूज किया है, इनके ही ठेकेदार थे, यही ठेकेदार थे, रोड से दौड़े रोड तक की सारी सीवर कंप्लीट है, कोई समस्या नहीं मिलेगी। मायापुंज में कोई सीवर की समस्या नहीं है, विकास नगर में कोई सीवर की समस्या नहीं है, सिर्फ मस्जिद मोहल्ली में इस टाइम सीवर की समस्या है। कल भी मैंने दैनिक जागरण अखबार में मेरी स्टेटमेंट है, कभी सर से हम मिले थे दो दिन पहले सीवर के बारे में, उन्होंने सुपर सोपर भेज के इसकी सफाई हुई है, तो मेन लाइन क्लियर होगी है बेहतर इसकी, जिससे हमारी सीवर में लगे हुए हैं सफाई कर रहे हैं, तो इससे आज हमें राहत मिली है काफ़ी। मंत्री जी ने इतना विकास किया है कि वे अपने घर का भी पानी नहीं निकाल पाए, अपने घर के आगे 4 फुट का डंडा लगा रखा है, इस मंत्री पे अपने ही घर का विकास करने की ड्यूटी रही, बाहर का तो ध्यान ही नहीं दिया और अपने घर का पानी नहीं निकाल पाया, ये तो इसने विकास क्या किया, इसने इस फरीदाबाद 86 को नरक बना दिया कॉन्स्टिट्यूंसी को, ना ही कहीं सीवर का मिलान है ना कुछ है, सारे उल्टे काम है, इन्हीं के ठेकेदार थे, कोई आलू वाला था कोई ब्रेड वाला था, इन्हीं के ठेकेदार थे, कोई काम नहीं किया, जो मंत्री अपने घर का पानी भी नहीं निकाल पाया तो विधानसभा का क्या विकास करेगा, और गली पर भी अवैध शेड बना रखा है जो गली वाले परेशान होते हैं आने जाने में। 15 साल मैं राहत निगम मशीनरी डिप्टी मेयर लगाता कामों को ढेर लगा दिए, खूब काम कराए, उससे पहले काम नाम की चीज ही नहीं थी कि काम क्या होते हैं, ना पीने का पानी था ना सुविधा थी ना सड़कें, खूब काम हुए। उसके बाद जब मैं मंत्री बना तो मेरे घर से मेरा लड़का सीनियर डिप्टी मेयर था, घरवाली मेरी पार्षद थी, तो ये जाते थे सारे इलाके में घूम फिर करके, जितने इनसे काम हो सके इन्होंने खूब काम कराए, और पैसे की तरफ से मैंने इनकी मदद की पूरी। 60 फुट पर आप निकल नहीं सकते, पानी भरा रहता 24 घंटे इसका सीवरेज का, मेरे घर के आसपास पानी भरा रहता है, अब भी पानी भरा होगा सीवरेज का, सारी लाइन फुल हो रही है, जब लाइन फुल हो रही है तो घरों का पानी कहाँ जाएगा, गलियों में ही सड़ेगा, अब बीमारी फैलेगी। सर जो अभी जो वर्तमान पार्षद हैं, पार्षद वार्ड नंबर 6 के सुरेंद्र अग्रवाल जी, उनका ये कहना है कि 20 साल में जो पूर्व मंत्री हैं उन्होंने सिर्फ इस क्षेत्र का विनाश ही किया है, कोई विकास नहीं किया, नर्क बना दिया इस क्षेत्र का। मुझे ये बता दें कि एक काम उन्होंने कौन सा किया है, मैंने तो उनकी छाती पर जा करके, प्राइमरी स्कूल नहीं था उस इलाके में, प्राइमरी स्कूल बनाया वहीं, उनके स्कूल के साथ सड़क बनाई इनके स्कूल के साथ, और सीवरेज की लाइन डाली, अब उन लाइनों को जरा ठीक ही कर दें तभी मैं मान जाऊंगा। ये भी आरोप है उन्होंने अपने राज्य में तो पानी निकासी की कोई समस्या का समाधान नहीं किया, लेकिन अपने घर के आगे अवैध कब्जे करे हुए हैं, टी सेट लगा रखे ताकि उनके घरों में पानी ना आए। हमारे यहाँ जब कॉलोनियों में कोई अवैध कब्जा नहीं है, न ही अवैध कब्जा हो सकता है,